हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो बोलेंगे सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब कौन सा वर्ब हो सकता है, या तो बी वर्ब हो सकता है, उसके बाद क्या आएगा, या हैव वर्ब हो सकता है, उसके बाद क्या आएगा, डू वर्ब हो सकता है तो उसके बाद क्या आएगा, ट्रांजिटिव होगा तो क्या लेगा, इनट्रांजिटिव होगा तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन है। फिर सेंटेंस को बढ़ाने की बात आ जाए तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है। फिर कंजंक्शन लगा के फिर सब्जेक्ट भर बढ़ा सकते हैं, फिर रिलेटिव प्रोनाउन लगा के उसको और बड़ा कर सकते हैं। यही बात हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, देखेंगे सेंटेंस कैसा बना है, उसका मीनिंग, ग्रामर स्ट्रक्चर, वर्ड, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। पीटी बैटल मतलब तुच्छ बैटल, ठीक है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वार मतलब क्या सा लड़ाई। ऑन मणिपुर एंड पार्लियामेंट, किस पर, मणिपुर और पार्लियामेंट पर। देखो द डिबेट, अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा, बोलेंगे क्यों, अब ये आर्टिकल आया तो बोलेंगे हाँ, तो नाउन का पोजीशन कंफर्म, मतलब ये नाउन कौन होगा, चूंकि यहाँ पर पोजीशन है तो यही नाउन हो जाएगा। तो द डिबेट इन पार्लियामेंट, अब ये इन के बाद देखो बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। डिड लिटल, लिटल मतलब समझ जाइए न, समझ गया न, ठीक है, निगेटिव है नो, ठीक है, ऐसा नहीं कि न के बराबर, न के बराबर क्या, वही हुआ ख़त्म है। डिड लिटल बहुत ही कम किया है, न के बराबर किया है, टू के बस कंट्रीब्यूट करने के लिए, योगदान देने के लिए, टू द पीस प्रोसेस, पीस प्रोसेस शांति प्रक्रिया के में योगदान देने के लिए बहुत क्या किया है, लिटल किया है, न के बराबर किया है, इन मणिपुर, मणिपुर में, इतना बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अपोजिशन, द आर्टिकल आया तो नाउन का पोजीशन क्या हो जाए, एक सेकंड, हाँ, द आया तो नाउन का नाउन का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कंफर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पोसेशन, तो नाउन का पोसेशन किस पे, तो नाउन पे। द पोजीशन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, अब बोलेंगे मेन वर्ड कौन, तो ये एडजेक्टिव, अब ये नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल, तो यहाँ पे आ गया स्टेटेड। बताया कहा हुआ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, किसका, अपोजिशन का। अब मेन वर्ड देखो ये प्लुरल या सिंगुलर, तो बोलेंगे सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। ऑफ मूविंग लाने का, बी फोर, तो क्या लाने का, ए नॉन कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो बोलेंगे किसका ऑब्जेक्ट है, तो मूविंग का ऑब्जेक्ट है। अब मूविंग तो होता जेरंड है, ऑब्जेक्ट कैसे लेगा, तो उसमें वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से वो क्या ले लेता है, ऑब्जेक्ट ले लेता है। लाने का, लाने का क्या लाने का, नॉन कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, मोदीज गवर्नमेंट, किसके खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो बोलेंगे मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ। वाच किसके लिए, तो यही ऑब्जेक्टिव के लिए ना आ जाएगा वाच, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, वाच टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फोर्स करने के लिए, किसको, उन्हें, हिम, टू स्पीक, बोलने के लिए, ठीक है, टू के बाद। ऑन द ऑनगोइंग एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, कहाँ पे, मणिपुर में, इन, ऑन के बाद देखो भी फोर है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या आएगा, नाउन, कहाँ पे है नाउन, तो ये नाउन हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। ऑन गोइंग मतलब चल रहा, ठीक है, चल रहा, ये क्या है, वायलेंस, कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है, इतना बात क्लियर। स्पीक ही डिड, उन्होंने क्या है, बोला। एंड ही प्रॉमिस्ड, और वादा किया, टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर पीस, इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हिंदी मीनिंग काम करने के लिए, फॉर पीस एंड एंड रिकॉन्सिलेशन। अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर ये पीस को जोड़ रहा है एंड रिकॉन्सिलेशन को जोड़ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों वर्ड तो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, पीस जानते हैं शांति, पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड, कॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन समझौता। इन द, इनके बाद देखो नाउन आ जाएगा क्योंकि द लगा हुआ है, यहाँ पे एडजेक्ट, स्टिफ टर्न
स्टेट, ऐसा स्टेट जहाँ पे केवल दंगे हो रहे हैं। द एज ऑफ मिस्टर मोदी स्पीच, अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा ऑफ मिस्टर मोदी स्पीच, मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे ये स्पीच हो जाएगा। स्पीच ऑन थर्सडे, कब थर्सडे, हाउ ओवर, यद्यपि, वाज, अब यही ना एज के लिए क्या गया, वाज अगेंस्ट द अपोजिशन, किसके खिलाफ था, अपोजिशन के खिलाफ। अब यहाँ पे आपको बताना है डैट रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि वर्ब ले चुका है। जो अब किसके लिए, वॉक्ड आउट मतलब चले गए बिफोर द हाउस, हाउस के सामने, ठीक है। रिजेक्टेड, अब रिजेक्ट किए थे, क्या रिजेक्ट किए थे, द मोशन, क्या रिजेक्ट कर दिए थे, थ्रू ए वॉइस वोट, थ्रू के सहारे, तो किसके सहारे, वॉइस वोट के सहारे मोशन ये क्या कर दिए थे, रिजेक्ट करी। ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान या दरमियान, होम मिनिस्टर अमित शाह, अब होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, ऑफर्ड, वीटू हो गया, क्या ऑफर किया था, ए आर्टिकल आया, तो अब ऑब्जेक्ट क्या पोजिशन, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो नाउन खोजिए, चूंकि यहाँ पे पोजिशन है तो ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ए मोर डिटेल एक्सपोजिशन मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, कहो एक्सप्लानेशन ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, गवर्नमेंट अप्रोच का, नाउन का पोजिशन नाउन पे, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के अप्रोच का टुवर्ड द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट की ओर, एंड द सिचुएशन एंड मणिपुर, जो सिचुएशन है कहाँ पे, मणिपुर में। द भारतीय जनता पार्टी एंड द सेंटर आर, अब दो हो गए ना, दो हो गए, आर अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस नोट कर लेना, अस्पष्ट रूप से, ठीक है, पूरा क्लियर है, पूरा कॉन्फिडेंट है, ये सारा चीज। इन दियर डिफेंस, अपने डिफेंस में, ठीक है, ऑफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह, एन वीरेन सिंह के डिफेंस में, यही हो जाएगा ना, एन वीरेन सिंह के डिफेंस में, बहुत ही क्या है, अस्पष्ट है, क्लियर है। मिस्टर शाह नोटेड डैट, नोट किया था डैट की कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए। द फ्रेश इनफ्लक्स, जो आए हुआ आता है बाहर से उसको बोलते हैं, ऑफ रिफ्यूजी, किसका, रिफ्यूजी का, जो अभी हाल फिलहाल का जो आए हैं, इन द रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल के वर्षों में, फ्रॉम म्यांमार, म्यांमार से, इनटू मणिपुर, मणिपुर में, एंड मिजोरम में, हैज, अब यही ना सब्जेक्ट बन जाएगा, इसका वर्ब हो गया, हैज एग्रीवेटेड, बढ़ा दिया है, क्या बढ़ा दिया है, तो यही ना ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो द एज ओल्ड एथनिक राइवरी बिटवीन, अब ये दोनों जो ग्रुप लड़ रहे हैं, कुकीज और मेटीज, जो भी नाम है इनका, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ही, अब ही किसके लिए है, प्रोनाउन रहता तो डिस्क्रिप्शन, दिस डैट दीज दो सच द सेम, तो डिस्क्रिप्शन अमित शाह, अंडर स्कूड मतलब बतलाया, अंडर बतला, द हाईलाइटेड सिक्योरिटी मेजर, अंडर बतलाया है तो क्या बतलाया है, हाईलाइट किया हुआ सिक्योरिटी मेजर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, देख लो क्या है, तो नाउन, अब ये मेजर्स नाउन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, तो हाईलाइट किया हुआ सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। डैट, डैट किसके लिए, तो ये मेजर्स के लिए हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि ले लिया है वर्ब। डैट आर बीइंग, आर के बाद वी फोर और बी वर्ब के बाद वी थ्री, मतलब हो जाएगा पैसिव वॉइस। दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट मतलब लागू किया जा रहा है। टू मैनेज, मैनेज करने के लिए, तो किसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। फॉरेन पॉपुलेशन, ऑब्जेक्ट का पोजिशन है, ऑब्जेक्ट लिया, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, अब इन्फिनिटिव नाउन है, ऑब्जेक्ट कैसे ले सकती है, तो बोलेंगे इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी होता है इसलिए ऑब्जेक्ट ले ली। ऑब्जेक्ट में देखो क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है, ठीक है। एंड कंटेन, कम करने के लिए, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, और क्या कम करने के लिए, जो ये वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसको कम करने के लिए। चलो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर मैनेज को और कंटेन को, बात समझ गए, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, अब यहाँ पे होगा एक कंजंक्शन, फिर देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब क्या है, ठीक है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए ना, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन होगा। इससे हमें क्या पता चला, इससे पता चल ये जाता है कि आपको फिर सब्जेक्ट वर्ब ढूंढना है। द चीफ मिनिस्टर हैड बीन,
कॉपरेटिंग कर रहे थे। अब हैड बीन कॉपरेटिंग मतलब सहयोग कर रहे थे कुछ लंबे समय से विद द सेंटर, सेंटर के साथ, एंड दैट द सिचुएशन डिड नॉट कॉल फॉर, और जो सिचुएशन था डिमांड नहीं किया किसी का हिज डिसमिसल, उनको हटाने का डिमांड नहीं किया, एंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट के रूल को इम्पोजिशन लगाने का डिमांड नहीं किया। कॉल फॉर मतलब याद रखिएगा डिमांड करना। मिस्टर शाह अपील टू द टू वेयरिंग कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी को क्या किया अपील किए, यही दोनों कम्युनिटी हैं। टू इंटर इंटू ए डायलॉग, डायलॉग में मतलब बातचीत करें, जब तक करेंगे नहीं तब तक कोई उपाय नहीं हो, विथ ईच अदर एक दूसरे से, दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन अदर, एंड विथ द सेंटर और सेंटर के साथ, ही शुड फॉलो और फॉलो करे ऑन डैट अपील। अब डैट आ गया ना, अब यह है एडजेक्टिव, अब इसका डिस्क्रिप्शन होगा कहाँ पे, वही ना अपील किए हैं दोनों को, भाई शांति से बैठ के बात करो, तो डैट अपील एंड बोथ कम्युनिटी शुड टेक इट, ले इसे, अब इट हो गया ऑब्जेक्ट कौन सा, तो प्रोनाउन एज ए सूट एट पीस, मतलब अपॉर्चुनिटी के रूप में जो कि पीस शांति ला सकता है, सूट एट पीस मतलब अपॉर्चुनिटी जो शांति ला सकता है, ठीक है। चलिए मणिपुर, इफ मणिपुर इज स्टेन बाय ब्लड सीट, अगर मणिपुर पे धब्बा लगा है, खून का धब्बा लगा है, तो इंडियाज नेशनल पॉलिटिक्स, जो इंडिया का नेशनल क्या है पॉलिटिक्स, इज स्टिफ मतलब दबा हुआ है बाय द ब्लड सीट, बैड ब्लड बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, और ये गवर्नमेंट अपोजिशन क्या है एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, तो ये दबाया स्टिफर, स्टिफ्ड मतलब क्या होता है दबाना, दबाया गया है बैड ब्लड मतलब ये जो लड़ाई हो रही है गवर्नमेंट अपोजिशन। द डिबेट, अब जो डिबेट है किस पर, ऑन नॉन कॉन्फिडेंशियल मोमेंट मोशन पर लैक्ट, अब यही ना आ गया डिबेट ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, लैक्ट कमी है क्या चीज़ का, विजडम एंड बीट, अब एंड मतलब किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर विजडम को और बीट को, तो विजडम मतलब बुद्धिमानी, तो बीट मतलब क्या होगा, वही कोई पॉजिटिव वर्ड ही होगा ना, तो बीट मतलब यही समझदारी। बट हैड पेनल्टी ऑफ रैंकोर्स एंड डाइट्रीज एच जैसे पर बस, बट अब बट तो देख लो सेंटेंस तो जोड़ रहा नहीं, क्लॉज तो जोड़ नहीं रहा, इसका मतलब है कि यहाँ पे वो ये इसी डिबेट के लिए है, डिबेट हैड प्लेंटी बहुत था प्रचुर मात्रा में था रैंकोर्स एंड डाइट्रीज, डाइट्रीवल डाइट्रीव, ठीक है। अब डाइट्री मतलब होता है कटु आलोचना करना, ठीक है कटु आलोचना, तो रैंकोर्स मतलब भी वही होगा आलोचना के करीब, तो उसके पास क्या था, खाली भरा हुआ था आलोचना से भरा था। एज अब देखेंगे एज, अब ये कंजंक्शन की प्रीपोजिशन, तो देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ले लिया है, तो देख समझ जाएंगे प्रीपोजिशन क्यों, अब ये एज क्या बताएगा जब कंजंक्शन है, तो एज क्या बताएगा, तो बताएंगे एज रीजन बताएगा। एज बोथ साइड ट्राई टू स्कोर पीटी पॉइंट, मतलब दोनों साइड क्या करते हैं पीटी मतलब स्कोर करने की कोशिश के सुख पॉइंट जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है। द अल्टरनेटिव विजन मतलब अल्टरनेटिव, ये अगर ना चले तो दूसरा से काम चले। डैट द अपोजिशन क्लेम, जिसको क्या करता है अपोजिशन दावा करता है, ये है जिसे अपोजिशन क्या करता है दावा करता है। अब ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तब भी सब्जेक्ट वर्ब तो लेगा ना, टू रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर इंडिया, किसके लिए इंडिया अहेड ऑफ 2004 इलेक्शन, अब यही ना आ जाएगा। डिड नॉट साइन थ्रू द डिबेट मतलब कुछ अच्छा नहीं कर पाया, चमक नहीं पाया डिबेट के सहारे। इफ डैट वाज एन एम, अगर ये एम था एट ऑल, अगर यही एम था तो द रूलिंग मील वाई कंटिन्यू टू विपनाइज, कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं विपनाइज करना, रूल्स एंड नॉर्म्स ऐसा रूल बना रहे हैं जो अपोजिशन के खिलाफ हो, टू म्यूट ये शांत करने के लिए किसको अपोजिशन, एंड रेल रोडेड लेजिस्लेटिव बिजनेस, और लेजिस्लेटिव बिजनेस जो भी कानूनी जो होता है उसको भी खराब करने का, तो एंड किसको जोड़ रहा है आप देखिए, ठीक है तो बोलेंगे कंटिन्यूड को रेल रोड। द लीडर ऑफ कांग्रेस इन द लोकसभा,
ठीक है, नाम है अधीरंजन चौधरी, हैज बीन सर्टेन डे, हैज के बाद भी थ्री और भी थ्री के बाद भी थ्री, तो हो गया क्या पैसिव, सस्पेंड किए जा चुके हैं। अनटिल द प्रिविलेज कमिटी टेक्स ए डिसीजन, जब तक प्रिविलेज कमिटी डिसीजन नहीं लेती तब तक उनको हटा के रखा जाएगा, अनटिल हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ कभी भी निगेटिव वर्ड अनटिल अनलेस के साथ नहीं आता, ठीक है। अनटिल टाइम को बताता है, अनलेस कंडीशन को। अबाउट हिज एलेज अनरूली कंडक्ट, अबाउट के बारे में, हिज अनरूली कंडक्ट, जो ये काम किए हैं, जो जिस तरह से बिहेवियर किए हैं वो बहुत ही गंदा था पार्लियामेंट में, इन द हाउस, दिस डिसीजन, अब कौन सा डिसीजन उनको सस्पेंड करने का, जिसका डिस्क्रिप्शन मिला कि नहीं मिला, हाँ, कीप्स द लीडर ऑफ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी अवे फ्रॉम पार्लियामेंट, मतलब ये जो डिसीजन है रखता है किसको, अपोजिशन पार्टी के लीडर को पार्लियामेंट से, फ्रॉम एन इंडिफिनिट पीरियड, मतलब कब तक रहेंगे इनका कोई ठीक नहीं है। नेशनल पॉलिटिक्स हैज कम टू रिसेंबल, नेशनल पॉलिटिक्स हमारा जो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स हैज कम आया है टू रिसेंबल एन इरिकॉन्सिबल वार, कैसा वार मतलब तक पहुंचा है, तो ऐसा वार जिसे ये समझौता न किया जा सके। पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट इमिटेट द कन्फ्लिक्ट इन मणिपुर, पॉलिटिकल पार्टी को जो ये इमिटेट नकल नहीं करना चाहिए किसका, जो कन्फ्लिक्ट है वो मणिपुर में उसका, ठीक है। डिसेंट, ऐसा जो लोग जो कि सरकार से खुश नहीं होते हैं, प्रोटेस्ट, ठीक है, अब एंड से जुड़ा है तो आर इंट्रेंसिक, याद रखिएगा ये भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है, ठीक है, टू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी, डेमोक्रेटिक पॉलिटी का हिस्सा है, जब भी पॉलिसी बनता है तो कोई खुश ना खुश रहते हैं तो कोई प्रोटेस्ट करते हैं, बट इम्टी रेटोरिक एंड स्टेप बॉन्ड, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट, स्टेप बॉन्ड जीती, और इम्टी रेटोरिक मतलब कुछ नहीं बोलना, ठीक है, इनडिफरेंस आर नॉट, और ये जो ये नहीं है, इनडिफरेंस मतलब उदासी, स्टेप बॉन्ड मतलब जीती, और क्या है इम्टी रेटोरिक, रेटोरिक मतलब होता है वक्त कटुता, मतलब एक दूसरे से आरोप लगाना, ये सब की बातें हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्लोज टेस्ट, अब देख लेते हैं आपके लिए कुछ, अच्छा लीडर शब्द का आपको देखना है कि ये वर्ब कहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे अल्टरनेटिव विजन का वर्ब आपको देखना है, ठीक है, और फिर देखो लैक का सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है, और देखिए हाँ ये सब डिसेंट स्टेप बॉन्ड इस सब का मीनिंग लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मिटिगेट, चलिए अब इसमें ये सारे वर्ड में मेन वर्ड कौन है जो सब्जेक्ट बने, ठीक है, और इसका वर्ब कहाँ पे है ये देखिए, ठीक है, वो टू वर्क काम करने के लिए, यही इन फॉर पीस शांति के लिए, अब एंड किसको जोड़ा है ये देखो, और जोड़ा है तो निगेटिव को जोड़ा है कि पॉजिटिव को जोड़ा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाज का सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, अनएम्बिगुअस मतलब होता है स्पष्ट, इसका मीनिंग याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, चलिए हो गया, अब कुछ क्या कर लेते हैं, वर्ड कर लेते हैं जो कि बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है, चलिए ये वर्ड है, ठीक है, चलो थोड़ा सा नहीं आ रहा है, अवेट क्या है, अवेट, अवेट मतलब होता है कम होना, जिसका बोलते हैं रिसीड भी बोलते हैं या डिक्रीज भी बोल लो जो है, तो यही है, ठीक है, अवेट रिसीड डिक्रीज। परनीशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है, परनीशियस मतलब हार्मफुल और डिटर्मेंटल, क्या होगा, परनीशियस मतलब हार्मफुल डिटर्मेंटल। अब है इम्प्यूडेंट मतलब क्या होता है, रूड, जो अच्छे से बिहेवियर ना करे, अच्छे से बात
ना करे। फैटिग्यू, फैटिग्यू मतलब होता है थकान, ठीक है। टायर्डनेस, एग्जॉशन, ठीक है, याद रखना फैटिग्यू, टायर्डनेस, एग्जॉशन। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है विचित्र, क्या होता है मतलब विचित्र। तो अबेट जान गए, रिसीड होगा, परनीशियस, हार्मफुल, डिटर्मेंटल, इम्प्यूडेंट, रूड, फैटिग्यू, टायर्डनेस, एग्जॉशन, ग्रोटेस्क्यू, क्या हो गया विचित्र। एस्प्यूरियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एस्प्यूरियस, एस्प्यूरियस मतलब होता है फेक, कोई चीज़ क्या हो फेक हो। स्प्लेंडिड मतलब क्या होता है सुपर, शानदार, जैसे स्प्लेंडर होता है ना, शानदार। अपोजिट, अपोजिट देखो एक अपोजिट होता है वो होता है विरुद्ध, ठीक है, विरोध। अपोजिट मतलब होता है अप्रोप्रिएट, रेलिवेंस, रेलिवेंस या जर्मेन, ठीक है, क्या होगा अप्रोप्रिएट, रेलिवेंस, जर्मेन्स, अपोजिट। ड्रुइंडल, ड्रुइंडल मतलब होता है रिड्यूस, कम होना। फ्लो, फ्लो मतलब होता है डिफेक्ट या फॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखना है। स्प्यूरियस फेक, स्प्लेंडिड सुपर, अपोजिट रेलिवेंस जर्मन, ड्रुइंडल रिड्यूस, फ्लो डिफेक्ट या फॉल्ट, ठीक है। अबेट तो रिसीड, परनीशियस डिटर्मेंटल, इम्प्यूडेंट रूड, फैटिग्यू, ठीक है, टायर्डनेस, और ग्रोटेस्क्यू मतलब विचित्र। फिर से देख लो, अबेट कम होना, परनीशियस हार्मफुल और डिटर्मेंटल, इम्प्यूडेंट रूड, फैटिग्यू टायर्डनेस एग्जॉशन, ग्रोटेस्क्यू विचित्र, एस्प्यूरियस फेक, स्प्लेंडर स्प्लेंडिड तो सुपर, अपोजिट अप्रोप्रिएट रेलिवेंस जर्मन, ड्रुइंडल रिड्यूस, फ्लो ठीक है डिफेक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही था, आपको जो भी देखो जो भी पढ़ रहे हैं अभी हमसे वो तो करना ही करना है, 100% करना है, ठीक है।